लाइव सिटीज के एजुकेशन कॉर्नर में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको देते हैं एजुकेशन और जॉब से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियाँ। तो पहले देखें और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इसे रोज देखने के लिए लाइव सिटीज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ITI छात्रों को बिहार बोर्ड ने दी बड़ी सुविधा। राज्य के ITI छात्रों को बिहार बोर्ड ने बड़ी सुविधा दी है। इन छात्रों को अब इंटर की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा देकर वे इंटर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हालांकि ये सुविधा वैसे छात्रों को मिलेगी जिन्हें 2 साल का ITI कोर्स किया हो। बिहार बोर्ड इसके लिए जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म्स भरवाएगा, उसके बाद इसकी परीक्षा मई या जून में ली जाएगी। बता दें कि इससे छात्रों को कई फायदे होंगे। ITI छात्र इंटर लेवल का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे पाएंगे, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी इनके लिए कई विकल्प खुल जाएंगे। छात्रों में प्रोफेशनल कोर्स के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। सिमुलतला की मुख्य परीक्षा में हुआ बदलाव। जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा का डेट बदल दिया गया है। 30 जनवरी को होने वाली यह परीक्षा अब 4 जनवरी को होगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 30 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री प्रवेश परीक्षा है, जिसके कारण डेट्स को आगे बढ़ाया गया है। बता दें कि सिमुलतला की मुख्य प्रवेश परीक्षा पटना में ली जाएगी। इसमें सूबे भर के करीब 1200 छात्र शामिल होंगे। जनवरी में होगी CBSE की प्रैक्टिकल परीक्षा। CBSE ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का डेट जारी कर दिया है। यह परीक्षा 16 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। इसे लेकर बोर्ड ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि इसके लिए होम सेंटर बनाया जाएगा। अगले महीने आएगा DLED का रिजल्ट। DLED की परीक्षा दे चुके छात्रों को अभी इसके रिजल्ट के लिए और इंतजार करना होगा। बिहार बोर्ड ने इसके मूल्यांकन के लिए पटना में ही केंद्र बनाया है और अभी मूल्यांकन का काम चल रहा है। ऐसे में सूत्रों की माने तो जनवरी के पहले सप्ताह में इसका रिजल्ट आएगा। पहले लास्ट दिसंबर में रिजल्ट आने की बात चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार बोर्ड ने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक तीनों सत्र की DLED की पेंडिंग परीक्षा एक साथ ली थी, जिसके बाद अब छात्र रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।